प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव्स की सरकार के मंत्रियों के कुछ डेरोगेटरी बयान सामने आए और इसे लेकर विवाद बढ़ता हुआ दिखा। हालांकि मालदीव्स की सरकार ने अब अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन भी लिया है। इस वक्त मालदीव से एक बहुत खास मेहमान TV9 भारतवर्ष पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अहमद अदीब साहब, जो कि मालदीव्स के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के। अदीब साहब, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर, वेलकम। ये जो पूरा डिस्प्यूट पैदा हुआ है, या ये कहा जाए कि ये पूरा डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की गई, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मालदीव्स की सरकार के कुछ मंत्रियों की तरफ से बहुत ही डेरोगेटरी ट्वीट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए किए गए, इसका मतलब क्या था, मायने क्या थे? क्योंकि लक्षद्वीप दौरे पर जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने मालदीव्स का नाम तक नहीं लिया। थैंक यू, बहुत स्वागत है। ये बहुत दुखी की बात है, ये डिगोट्री कमेंट से हमारे सब मंत्रियों ने किया था जी। वो ये हमारा आज की सरकार इंडिया आउट कैंपेन से ये दे गोट इलेक्टेड, बट आई वुड से दैट ये ट्वीट बहुत दुखी की बात है। और मालदीवियन सिटीजन ने इसको मना किया था, वो प्रेशर डाल रहा है, और मालदीव्स की सरकार ने आज ये मंत्रियों को सस्पेंड भी कराया। ये इंडिया की इंडियन सिटीजन से आल्सो एक्सप्रेस, वो तो ट्विटर में आपके बहुत बहुत जज्बात बहक गया था, बहुत एंटी मालदीव्स ट्वीट हो रही थी। तो मालदीव्स सरकार ने भी एक्शन लिया था, मैं भी सरकार को कॉल कराया था। हमारा टूरिज्म बहुत बड़ा इंडिया से, बहुत यू नो वी नीड इंडियन टूरिस्ट एंड इंडियन का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हमारा टूरिज्म प्रमोट करते हैं। आज ये ट्वीट के अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये डिग्रेडेटरी कमेंट्स डाला तो बहुत सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही अहमद अदीब साहब। लेकिन आखिर ये मालदीव्स के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को ऐसे हवा दे रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत और मालदीव्स के हमेशा से, भारत ने तमाम मौकों पर मालदीव्स की खासी मदद की है। हम टूरिज्म मिनिस्टर थे और ये पार्टी जो आज रूल कर रही है वो पार्टी से मैं 2012 में ये एग्रीमेंट कराया था। वो हेलीकॉप्टर भी मेडिकल इवैक्यूएशन के कारण हम मालदीव्स में लगाया था, और तो मिलिट्री है वहाँ जो लोग हेलीकॉप्टर फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन में यूज कर रही है मालदीव्स पे। तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन ने ये इंडिया आउट कैंपेन लगाया था ये 2018 इलेक्शन पर, बट नाउ इज अ न्यू प्रेसिडेंट, डॉक्टर मुइज इज फ्रॉम सेम पार्टी बट न्यू प्रेसिडेंट, सो ही इनहेरिटेड दिस ये जज्बा वो उस प्रीवियस प्रेसिडेंट से आया था ये कैंपेन, बट नाउ या आज वो इंडिया से मिलकर बात कर सोल्व करना चाहिए ये डिग्रेडेटरी कमेंट्स, ये मीडिया वाला बात ये नहीं करने चाहिए। मालदीव्स को इंडिया जाना है, डिप्लोमेटिक टॉक्स कर ये सोल्व करना है। हालांकि अब एक्शन लिया गया है क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली भी एक कंप्लेंट रेस की थी, नाराजगी का इजहार किया था, और उसके बाद हम देख रहे हैं एक्शन भी हुआ है। जो मौजूदा सरकार है मालदीव्स की, उसने अपने मंत्रियों का सस्पेंशन भी किया है। आपको लगता है अब इस तरह के बयानात कम से कम नहीं आएंगे जिससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़े इसका, और मालदीव्स का टूरिज्म भी प्रभावित हो, उसको भी झटका लगे? झटका लगेगी। ये मैंने भी एडवाइस किया था हमारे सरकार को, और ये सस्पेंशन के बाद दूसरी मंत्रियां भी विल नॉट ट्राई डू द ट्वीट्स, आई बिलीव। ये बहुत दुखी की बात है, ये दोबारा होने नहीं चाहिए। ये मालदीव्स भी ऑल पॉलिटिकल
अपॉइंटीज शुड रेस्पेक्ट इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये हमारा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ये ग्लोबल लीडर है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और हम इंडिया के साथ डेवलप करना चाहिए। मालदीव्स भी, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, मालदीव्स भी साथ हाथ पे हाथ लेकर मालदीव्स भी तरक्की करना चाहिए इंडिया के साथ। ये हमारा बहुत क्लोज है, मालदीव्स टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑलवेज विल नीड इंडिया सपोर्ट।